एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो चिंचन होता है वो अपनी चील को वापस बुला लेता है। वो सोचता है कि उसने उसे जो आदमी आया था उसे ख़त्म कर दिया होता है। तभी हम लोग देखते हैं उस बारे में बात कर रहा होता है। हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे जो होता है वो जगह चेंज होने लगता है, जिसमें वहाँ पे वो ब्लैक एलमन कहता है कि देखिए मास्टर। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो वो रहा होता है वो वापस से इकट्ठा होने लग जाता है उसके अंदर। तभी एक आदमी की आवाज़ आती है कि मेरे सभी जवानों जाग जाओ, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे आया हमारे ऊपर अटैक करने के लिए इसे ख़त्म कर दो यहाँ पे। और हम सभी देखते हैं तभी बहुत सारे वहाँ पे आत्मा आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है चिंचन। और वहाँ पे सभी जो उसके दोस्त होते हैं तीनों के तीनों, और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे वही डीमन सप्रेयर सिंह जो वहाँ पे कोल्ड रूम होती है उसे बाहर निकालता है। और वहाँ पे उन सभी की जो होते हैं उन सभी को वहाँ पे उन जो ब्लैक आत्मा होती है वो सारे के सारे डार्क सोल्स उन सभी को वहाँ पे उसके अंदर एब्जॉर्ब करके उन्हें स्टोर करने लग जाता है। जिस पर चिंचन कहते हैं सच में यहाँ पे डीमन सप्रेसिंग जो होती है इसने कोल्ड रूम होती है ये यहाँ पे इन्हें सप्रेस कर पा रही होती है। और उन सभी से बच के जो होते हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, उन सभी से बचने की पूरी कोशिश जो होता है कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वे जो होती है वहाँ पे ब्लैक एलम के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिससे जो भी उन्हें अपनी पावर से दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी बैक ऑफ होकर वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन चिंचन उसने सभी को रोक देता है और उन सभी को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और क्या होता है कि यहाँ पे उसे कहता है कि तू यहाँ पे जितने भी यहाँ से बच के जा रहे हैं उन सभी को ख़त्म कर, बाकी को तू मुझ पर छोड़ दे। और वहाँ पे अपने जो फॉर्मेशन है होता है उसे स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे जो उसके ऊपर अटैक करने आते हैं उन सभी को मार देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लैक एलम जो होता है वो उनके वहाँ पे जितना भी हो रहा होता है उन सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि जो उसकी हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठीक होने लग जाता है वो। और उसे ये सब कुछ करते हुए वहाँ पे जो जब उसे चिंचन देखता है तो भी वो इसकी हीलिंग एबिलिटी से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहाँ पे कैट वो कह रहे होते हैं एम्परर कि यहाँ पे ये इसका फ़ायदा उठा रहा है यहाँ पे चिंचन लड़के का। और तभी हम देखते हैं वो भी वहाँ पे उन सभी को जो होता है उन्हें ख़त्म कर रहा होता है वहाँ पे जो वो ब्लैक एलम होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसी तरीके से उनसे लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे जो कुछ होते हैं वो वहाँ पे नोटिस करते हैं चिंचन को और तभी उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं चिंचन पर अटैक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जब वो उसके ऊपर अटैक करते जा रहे होते हैं लगातार, जिस पर वो कह रहे होते चिंचन मुझे लगता है कि अगर मैं इसी तरीके से उनसे लड़ता रहा तो मेरे यहाँ पे सारा का सारा ट्रू एनर्जी खत्म हो जाएगी। जिस पर वो कह रहा होता है कि हम यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, हम इन्हें रोक नहीं होगा, अगर यहाँ से बाहर चले गए कंटिनेंट में तो वहाँ पे जाके तबाही मचा देंगे, तो हम इसलिए इनसे लड़ नहीं होगा। और वहाँ पे वो अपनी तलवार की मदद से उन पर लगातार अटैक कर रहा होता है और उन्हें जिस पे जितना हो सकता है वो वहाँ पे उन्हें उतने मारने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे वो अपनी एनर्जी को वहाँ पे इकट्ठा कर रहा होता है और वहाँ पे उन सभी को एक तरीके से उन्हें बॉन्डेज कर देता है। और वहाँ पे उन सभी के ऊपर होता है वहाँ पे जो अपने सोर्ड इंटेंट की मदद से उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, क्योंकि जो उसकी जो तलवार होती है वो तलवार उन सभी को वहाँ पे रोक पा रही होती है और उन सभी को ख़त्म कर पा रही होती है। उसकी जो एंशिएंट तलवार होती है ब्रोकन सोर्ड उसका वो अटैक कर पा रही होती है उन सभी के ऊपर। और वहाँ पे इसी तरीके से चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो चिंचन होता है वो अपना जो थर्ड लेवल का सोर्ड इंटेंट होता है हेवन एंड सोड उसे इस्तेमाल करते हैं और ये सब कुछ लोग के वे देख के हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पे एक नया तो अपना सोड इंटेंट है वो अपने लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे जो आसमान में से जो होती है वो एक पावरफुल जो ब्रोकन सोड के रूप में आ जाती है, उस सोड उस जो उसकी तलवार का उसके एक रूप होकर नीचे आती है। और वहाँ पे जब जब वो पहुँच रही होती है उन सभी को ख़त्म करता हुआ जा रही होती है जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है। और ये सब कुछ वहाँ पे होता है, जितने भी वो सभी होते हैं वो सभी मर जाते हैं, और जिस पर वो सभी लोग सब कुछ देख के ब्लैक एलम में देख के हैरान हो जाता है। और वहाँ पे एक आदमी का आवाज़ आ रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तभी धरती में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकल के आता है और इन्हें क्या होता है तुम लोगों ने मेरे यहाँ पे सोना भी मुश्किल कर दिया, तुम लोगों की हिम्मत कैसे होगी मेरे इस एरिया में आने की और मेरे एरिया में आके मेरे ही लोगों को मारने की। और गुस्से में उसकी तरफ अपने अटैक को करते हुए जा रहा है, जिस पर चिंचन वहाँ पे तभी अपनी हेवन एंड मैन थर्ड लेवल का जो सोर्ड इंटेंट होता है उसके उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे उसके अटैक को रोक रहा होता है। लेकिन वहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसके इंटेंट को और वहाँ पे वो उसके जो वहाँ पे उसने प्रोटेक्शन बनाई होती है उसे भी तोड़ देता है, जिस पर चिंचन भी हैरान हो जाता है कि कितना ज़्यादा पावरफुल अटैक है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे करके सारा मौसम चेंज होने लग जाता है और हम वहाँ पे जितने भी वो एक जगह देखते हैं कि वहाँ पे एक जो स्टोन पिलर पर आदमी बैठा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी वो सभी लोग होते हैं वो सभी उस आदमी की तरफ झुकने लग जाते हैं। और हम देखते हैं वो जो आदमी होता है वो वहाँ पे उन सभी के सभी जितने भी वे सारी गोस्ट होती है उनकी आत्मा है उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, उन सभी की सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है उन सभी की, और उन सभी से एनर्जी इकट्ठी करता जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उन सभी को जो भी होता है उन सभी से जितने भी वहाँ पे जिंदा होते हैं मर गए होते हैं उन सभी की वहाँ पे एनर्जी उनसे खींच रहा होता है। और हम देखते हैं वो उन सभी को खींच के वहाँ पे अपने आप को पावरफुल करता जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वो अपने जो एक तरीके से अपने आप को रिकवर कर जाता है, फिर वहाँ से सीधा नीचे आ जाता है अपने आप को रिकवर करके। जिसके बाद वो कहते हैं कि डीमन लोड है, जिस पर कहते हैं ये तो एलियन का एक डीमन लोड है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सब कुछ कहते हैं एम्परर चिंचन को बता रहा होता है, जिस पर वहाँ पे जो वो होता है एम्परर कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरी इस जगह पे आके मेरी नींद ख़राब कर दी, मैं यहाँ अब तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पे चिंचन को अटैक कर रहे होता है वो जहाँ पे, जिस पर वहाँ पे जो वो होती है डीमन सप्रेसिंग
जो कोल्ड ड्रम होती है उस कोल्ड ड्रम को बाहर निकाल लेता है और उससे उसका अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रोक पाता और दूर जाके गिर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है। चिंचैन को किसी भी सांस लेने का टाइम नहीं देता, वो उसी तरीके से बचता जा रहा होता है चिंचैन भी, जिसको कह रहे होते हैं सब कुछ सिर्फ उस कोल्ड ड्रम की मदद से अगर मैं बच पाया, वरना मैं ये मुझे ख़त्म कर सकता है चुटकी भर में। जिसके वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लैक कैट भी अपने रूप में आके वहाँ पर उसे चिंचैन को उस पर अटैक करने का मौका दे रही होती है और उसके ऊपर लगातार अटैक कर रही होते हैं वहाँ पर जो वो डीमन लोड होता है, ताकि वो चिंचैन वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर सके, उसे रोक सके। और हम देखते हैं कि इसी तरीके से वो अपने आपको में अटैक करने में उसे मजबूर कर लिया, जिस पर चिंचैन उसी बात का मौका फ़ायदा उठा के वहाँ पर जो डीमन कोल्ड ड्रम होती है उसे बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर उसका जो पूरा पावरफुल रूप होता है उस डीमन कोल्ड ड्रम का वो इस्तेमाल करता है और वहाँ पर उसकी तरफ भेज देता है वहाँ पर जो डीमन लोड होता है और उसके ऊपर जारी होती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।